चंद्र इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। यहां पे लेक्चर नंबर 16 में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे बातचीत किया था, जहां पे कुछ फैक्चुअल मैटर हमने आपको प्रदान किया था। थोड़ी सी तबीयत नासाद होने के कारण हमने बहुत ज़्यादा गहराई में न तो हम गए और न तो चीज़ों को उस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया जिससे मैं खुद संतुष्ट हो पाऊँ। तो फैक्चुअल जो लेक्चर नंबर 16 में पढ़ा हुआ है उसको प्रयोग आप करेंगे, समझ आप लेक्चर नंबर 17 से बनाएंगे। आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा विस्तार के साथ हम लेकर के चलते हैं। टॉपिक थी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखिएगा, एक प्रश्न निश्चित होता है, ये इम्पॉर्टेंट लगा इसलिए हमने यहाँ पे ये आवश्यक समझा कि इसको एक्सप्लेन करना अति महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की के अगर हम आंतरिक संरचना की यदि बात करते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्य रूप से मनुष्य के लिए प्रत्यक्षतः अज्ञात है। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाकर के करना पूर्ण तरीके से मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कुछ विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, कुछ अनुमान के आधार पर किया जाता है। ये साक्ष्य, ये अनुमान मूल रूप से हम तीन भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से तीनों को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे डिटेल करेंगे। आप थोड़ा सा बस ध्यान यहाँ पे कंसंट्रेट करिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का जो सबसे पहला साधन है वो अप्राकृतिक साधन है। कैसा साधन है? अप्राकृतिक साधन है। और अगर हम दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है कि सिद्धांतों से प्राप्त साक्ष्य, सिद्धांतों से प्राप्त साक्ष्य। और तीसरे नंबर पे आता है प्राकृतिक साक्ष्य, प्राकृतिक साक्ष्य। अब चलिए एक एक को हम थोड़ा सा डिटेल चलते हैं और इसे सभी बिंदुओं को क्लियर कर लेंगे। पहले नंबर पे अगर हम बात करते हैं अप्राकृतिक साधन या अप्राकृतिक साक्ष्य की, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अप्राकृतिक साक्ष्य मूल रूप से ये भी तीन भागों में डिवाइड होगा। नंबर एक पे बात करेंगे हम घनत्व की, दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम दाब की, और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे तापमान की। चलेगा, हम पहले नंबर पे बात कर रहे हैं हम घनत्व की। मूल रूप से घनत्व कहते किसे हैं? पहला प्रश्न यही है कि घनत्व किसे कहते हैं। तो एकदम सिंपल सी बात कि आयतन और द्रव्यमान, आयतन और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है यही हमारा मूल रूप से क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। अभी हम बात पृथ्वी की नहीं कर रहे हैं, मूल विज्ञान का जो शब्द घनत्व है कि घनत्व किसे कहेंगे। जैसे एक बाउल है, हम सबसे पहले ऐसे ही समझते एक बाउल या एक कटोरा है। इस कटोरे का आयतन, आयतन का मतलब आकार, और इसमें कितनी वस्तु आएगी, इसी दोनों का जो अनुपात होता है यही हमारा मूल रूप से क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा। ठीक है साहब। तो हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के घनत्व की। अब पृथ्वी एक बहुत बड़े आकार में, एक बड़े आयतन और एक बड़े यहां पे द्रव्यमान में विद्यमान है। तो अब देखिए, जैसे अब यहां पे बात करेंगे हम कि जैसे ये पृथ्वी है, घनत्व की बात करें, पृथ्वी है, हमने इसको केंद्र माना, मान लिया कि ये एक भाग है। अब देखिएगा, बाकी को हटा दिया, अब देखिए यही चारों तरफ घूमेगी तो पूरी पृथ्वी कहलाएगी। अब देखिएगा, मतलब ये एक आकार हम ऐसे बना देते हैं, पृथ्वी का एक टुकड़ा,
घनत्व का सीधा सा मतलब है कि वस्तु जो रखी जा रही है या जो वस्तुएं विद्यमान है वो आपस में एक दूसरे से कितना जुड़ी है, कितने सकरे आकार में रखी गई है, वही उसका घनत्व कहलाएगा। नंबर एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि देखिए पृथ्वी को अगर हम तीन भागों में विभाजित कर देते, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, अब अगर ऊपरी भाग पर अगर हम कोई वस्तु रखते हैं या पूरे नीचे से ऊपर वस्तु रखी है तो सबसे ज्यादा दबाव, सबसे ज्यादा घनत्व, मतलब नीचे दबी हुई जो होगी वो सबसे ज्यादा घनत्व होगा, बीच वाले का थोड़ा सा कम होगा और ऊपर वाले का सबसे कम होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई दाब नहीं होता है, इसलिए ऊपरी भाग का घनत्व सबसे कम होगा, मध्य भाग का उससे अधिक होगा और सबसे नीचे दबा रहता है उसका सबसे ज्यादा होगा। अब देखिएगा अगर हम बात करें पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में, तो पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में घनत्व तीन प्रकार का, इसके सबसे पहले बात करेंगे हम अगर बाह्य भाग का, तो पृथ्वी के बाह्य भाग का जो घनत्व है वह 3.0 यहाँ पे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका घनत्व होगा। अब जब हम नीचे जाएंगे घनत्व जाहिर सी बात है बढ़ता चला जाएगा, हम जब इसके बीचले भाग का, हम इसके अगर जब बाह्य हुआ था ये हम मध्य की जब बात करेंगे तो मध्य भाग का जो घनत्व होगा वह 5.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर होगा। अब जब हम इसके और निचले भाग पर आएंगे तो जाहिर सी बात है ये घनत्व और बढ़ता चला जाएगा और जब हम इसके अंतरतम या आंतरिक भाग पर आएंगे तो ये आंतरिक भाग पर घनत्व 11 से बढ़ करके 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की ओर बढ़ करके चला जाएगा। अब देखिएगा घनत्व से संबंधित ये तीन मूल बातें हैं कि पृथ्वी का आयतन और द्रव्यमान का अनुपात उसका घनत्व है, और घनत्व पृथ्वी की गहराई में जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे घनत्व बढ़ता चला जाएगा। पृथ्वी को अगर हम तीन भागों में विभाजित करें तो इसके बाह्य घन, जो बाह्य भाग का घनत्व होगा वो 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होगा और इसके मध्य भाग का जो घनत्व होगा वो 5.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होगा और इसके आंतरिक भाग का जो घनत्व होगा वो 11 से लेकर के 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के यहाँ पे बीच में होगा। इसी के आधार पर औसत निकाला जाता है कि औसत पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा, तो पृथ्वी का औसत घनत्व होगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो एकदम स्पष्ट सी बात है कि हम सबसे पहले पृथ्वी के घनत्व के आधार पर आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं और इस आंतरिक भाग में घनत्व मतलब उनके संकुचन, उनके कणों के आपस में चिपकने, उनके सकरे भाग के आधार पर तीन भागों पर विभाजित किया, सबसे आंतरिक, सबसे सकरा, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला, उसके ऊपर थोड़ा सा कम और बाह्य भाग सबसे कम, जिसके आधार पर हमने चारों फैक्ट्स को क्लियर किया। ठीक है साहब, चलिए इसको हम मिटा देते हैं और हम आते हैं इसके दूसरे हेडिंग के क्रम में। हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे दाब की। इसी दाब को हम दबाव के नाम से भी जानते हैं, दबाव के भी नाम से जानते हैं। अब देखिएगा जैसे मान लिया एक डिब्बा है और इस डिब्बे में हमें आटा भरना है, इस डिब्बे में हमें आटा भरना है और हमने आटा डाला और ये यहां तक भर गया और हमारे पास थोड़ा सा आटा और बच गया। इस आटा, जो बचा हुआ आटा था, उसको इसी में और भरने के लिए हाथ डाल के हमने इसमें दबा दिया, दबाते हैं और जैसे जैसे दाब बनाएंगे वैसे वैसे वो नीचे की ओर दबता जाएगा और उसके कण आपस में चिपकते जाएंगे और ऊपर का खाली हो जाएगा और हम ऊपर फिर से डाल देते हैं।
तो पृथ्वी का भी मूल रूप से जो हमने यहां पे भाग का वर्णन किया आपसे कि अब देखिए पृथ्वी ऊपर से नीचे की ओर दाब बढ़ाती चली जाती है और जिससे इसके कण जो होते हैं पदार्थ जो होते हैं वे आपस में चिपकते और सकरे होते चले जाते हैं। इसका निष्कर्ष बस इतना है, प्रश्न क्या पूछता है कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा, दाब या दबाव बढ़ेगा, वैसे वैसे घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे वैसे घनत्व दबेगा तो नीचे का घनत्व क्या होगा, भाई ऊपर से दब रहा था नीचे 11 से 13.5 था तो यह भी क्या होगा, बढ़ेगा। ती बात क्लियर हो रही है सब। कि दूसरी बात, दाब, दाब का मतलब कि जैसे जैसे पृथ्वी पर दबाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पृथ्वी के आंतरिक तत्वों का घनत्व तो बढ़ता चला जाएगा। इसमें एक बात और समझना है आपको कि अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैदानी भागों का के नीचे जो घनत्व तो होगा वो चट्टानी भागों की अपेक्षा कम होना चाहिए। तर्क तो यही है कि भाई चट्टान भारी है वो ज्यादा दाब लगाते हैं तो नीचे का घनत्व तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो देखिएगा साहब, पृथ्वी का जो ये सामान्य घनत्व तो अभी हमने आपको यहाँ चार बिंदुओं के माध्यम से दिखाया वो एक सामान्य दाब है जो निश्चित तौर पर लग रहा है, उसमें अतिरिक्त बोझ नहीं है। अब जैसे कि एक जगह का चट्टान उठा करके दूसरी जगह रखा जाए तब पृथ्वी का संतुलन यहाँ पे असंतुलित होगा और तब दाब और घनत्व की मात्रा बढ़ेगी घटेगी, वरना ये एक समान रूप से अपना यहाँ पे अस्तित्व बनाए रखती है। तो यहाँ पे मूल प्रश्न बस इतना ही था कि दाब अगर या दबाव जब पृथ्वी पर बढ़ेगा तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पृथ्वी का घनत्व तो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है साहब, चलिए तीसरी बात, तीसरी मूल बात हम यहां पे चर्चा करते हैं तापमान की। देखिएगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के तापमान का जब हम अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान इसकी गहराई के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जैसे आप पृथ्वी से प्रथम 8 किलोमीटर जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे, पृथ्वी से प्रथम 8 किलोमीटर सतह से ऊपरी भाग से जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे ये 32 मीटर, ये 32 मीटर पर, ये 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के अनुसार तापमान बढ़ेगा या बढ़ता चला जाएगा। पहली बात कि पृथ्वी के सतह से अंदर की ओर जाएंगे तो 8 किलोमीटर तक के तापमान की दशा यही होगी कि आप 32 मीटर, प्रथम 32 मीटर गए 1 डिग्री यहाँ पे सेंटीग्रेड पर, और जितना 32 डिग्री सेंटीग्रेड 8 किलोमीटर तक जाएंगे उतना ये आगे की ओर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता चला जाएगा, अर्थात वो 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड के अनुपात में बढ़ रहा है। इस 8 किलोमीटर से लेकर के जब आप आगे 100 किलोमीटर तक जाते हैं तो यहां से 8 से यहाँ ये जब 8 के बाद 100 किलोमीटर तक क्या होगा कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ेगा। अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है, तरल मैग्मा लावा पृथ्वी के आंतरिक हलचल और प्लेटों के द्वारा की जा रही गति या यहाँ पे रगड़ होता है। फिर इसके जैसे ही आप और आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ से मूल रूप से 300 किलोमीटर तक, ये मूल रूप से 300, अब ये 100 के बाद 300 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 300 किलोमीटर तक जो पृथ्वी का तापमान होगा वो प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आधार पर ये क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है साहब, और इस 300 के आगे आप चाहे जितना जाए तापमान 1 किलोमीटर पर
एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, ये एक सामान्य तापमान। अब इसके आगे आप चाहे जितना चले जाइएगा उतना ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो तापमान के क्रम में प्रथम 8 किलोमीटर पर प्रत्येक 32 मीटर पर एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। 8 किलोमीटर के बाद पृथ्वी के अंदर जितना हम 100 किलोमीटर जाएंगे हर एक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता चला जाएगा। और इस 100 के बाद 300 पे हम जितना जाएंगे 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, और उसके नीचे हम चाहे जितना है उतना चले जाएं 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आधार पे बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा अप्राकृतिक साधन है, ये अनुमान है, ये विज्ञान के द्वारा किया गया अध्ययन है जो कि एक अनुमान के आधार पे ये प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने यहाँ पे बात किया आपसे अप्राकृतिक साधन की, ठीक है साहब। चलिए अगले क्रम में हम बात करते हैं यहाँ से आपसे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे सिद्धांत और उनके द्वारा दी गई परिकल्पना और परिकल्पना के आधार पे यहाँ पे किया गया वर्णन। तो देखिएगा, अगर हम सिद्धांत की बात करते हैं तो मूल रूप से 3 सिद्धांत हम आपके स्तर पे जानने के लिए हैं। पहला है चैम्बरलीन। चैम्बरलीन एक यहाँ पे भूगर्भ शास्त्री थे जिन्होंने, चैम्बरलीन ने यहाँ पे एक परिभाषा दिया, इनकी परिकल्पना दिया जिसका नाम है ग्रहाणु परिकल्पना। क्या नाम है? ग्रहाणु परिकल्पना। अब देखिएगा, चैम्बरलीन साहब ने ग्रहाणु परिकल्पना दिया, सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत में बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का निर्माण चट्टानों से हुआ है, ठोस अवयवों से हुआ है, पत्थर, विभिन्न प्रकार के शैल के टुकड़े विद्यमान हैं। तो अब शैल के टुकड़े ठोस होते हैं, तो उन्होंने सीधी सी बात उसी को तर्क माना और कह दिया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस रूप में है? ठोस रूप में है। सिद्धांत नंबर 1 और निष्कर्ष। प्रश्न है कि ग्रहाणु परिकल्पना किसने दिया? चैम्बरलीन ने दिया। चैम्बरलीन महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को किस रूप में माना? ठोस रूप में माना। कॉन्सेप्ट क्लियर है साहब? दूसरे नंबर पे आते हैं जेम्स जीन महोदय। जेम्स जीन महोदय ने क्या, कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने दिया ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना या परिकल्पना या ये इन्होंने मूल रूप से ज्वारी संकल्पना दिया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपना आधार बनाया ज्वालामुखी को। इन्होंने कहा कि ज्वालामुखी जब पृथ्वी पर फटता है तो अंदर से तरल मैग्मा बाहर की ओर निकलता है, और वो जब बाहर आता है तो ऑक्सीजन की वजह से ठोस हो जाता है। तो लेकिन अंदर से किस रूप में आता है? तरल रूप में आता है। तो इसी को इन्होंने आधार बनाया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से तरल मैग्मा, तरल तत्व बाहर निकल रहा है, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग किस रूप में है? द्रव्य के रूप में विद्यमान है। ये बात जेम्स जीन ने अपनी ज्वारी परिकल्पना में बताने का प्रयास किया। तो सीधी सी बात, जेम्स जीन ने किस परिकल्पना को दिया? ज्वारी परिकल्पना। जेम्स जीन ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को किस रूप में माना? द्रव्य के रूप में माना। आगे आइएगा, आगे हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं, यहाँ पे हमारी मूल रूप से जो परिकल्पना होगी वो लाप्लास महोदय के द्वारा दिया गया है, निहारिका परिकल्पना। अब देखिएगा, लाप्लास महोदय ने क्या कहा? इन्होंने बड़ी स्पष्ट सी बात कही। इन्होंने कहा कि जब भूकंप आता है तो भूकंप की, देखिए, दो तरंगे होती हैं, एक को पी कहा जाता है तरंग और एक को एस कहा जाता है। आगे डिटेल अच्छे से बताएंगे। पी का सीधा सा मतलब प्राइमरी अर्थात प्राथमिक तरंग, और एस का मतलब सेकेंडरी तरंग।
प्राइमरी तरंग सबसे खतरनाक और तबाही मचाने वाली तरंग को कहते हैं, और एस सेकेंडरी जिसका प्रभाव कम होता है उसको शांत यहाँ पे लहर के नाम से, या वो कम खतरनाक होती है। अब समझिएगा, लाप्लास महोदय ने कहा कि जब भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भागों में हलचल होता है, और यह हलचल गैसीय रूप में, ये गैसीय रूप में तरंगों के रूप में संचरित होता रहता है। तो इसी के आधार पे इन्होंने कहा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग यहाँ पे किस रूप में है, गैसीय रूप में इन्होंने माना। तो ये हमारा तीसरा सिद्धांत हो गया। कौन सा सिद्धांत? लाप्लास महोदय की निहारिका परिकल्पना, जिसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग को किस रूप में माना गया, गैसीय रूप में। प्रश्न है, निहारिका परिकल्पना किसने दिया? लाप्लास महोदय ने दिया। प्रश्न है, लाप्लास महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को किस रूप में माना? तो इन्होंने गैसीय रूप में। यही तीन आपको सिद्धांतों से संबंधित साक्ष्य आपको पढ़ने हैं, जो कि बातें यहां पे स्पष्टता क्लियर है आपको। ठीक है साहब, चलिए आगे आते हैं। तीसरे नंबर पे प्राकृतिक साक्ष्य की बात करते हैं, और अगर हम जब यहां प्राकृतिक साक्ष्य की बात करेंगे तो प्राकृतिक साक्ष्य के क्रम पे हम यहां पर ध्यान देंगे कि हमें दो बातें उभर करके सामने आएंगी। नंबर एक, दो बातें यहां से उभर करके सामने आएंगी। नंबर एक क्या है कि देखिए, नंबर एक यहां पे है हमारा भूकंप, भूकंप विज्ञान का साक्ष्य, और यहां पे होगा हमारा ज्वाला मुखी से संबंधित साक्ष्य। अब देखिएगा, ये प्राकृतिक घटना है, चाहे हम बात ज्वालामुखी की करें चाहे हम भूकंप की करें, ये प्राकृतिक घटना। अब देखिए तर्क क्या है, ज्वालामुखी जब फटता है तो इससे तरल मैग्मा किधर निकलता है, बाहर आता है। तरल मैग्मा बाहर आया तो ज्वालामुखी परिकल्प यहां पे, मतलब को साक्ष्य जो मान करके आंतरिक भाग का वर्णन किया गया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल रूप में विद्यमान है। लेकिन आगे कहा गया कि ज्वालामुखी की क्रिया पृथ्वी के समस्त आंतरिक भाग से नहीं होती, किसी एक भाग से होती है, और उसी एक भाग के आधार पर हम पूरी आंतरिक संरचना को हम तरल मान दें तो नहीं। तो इसके को ठोस साक्ष्य नहीं, ठोस साक्ष्य हम इसको नहीं मान सकते हैं। एकदम स्पष्ट सी बात कि ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसमें तरल मैग्मा बाहर निकलता है, तो लोगों ने वर्णित किया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग तरल रूप में है तभी बाहर आ रहा है, लेकिन ज्वालामुखी की क्रिया पृथ्वी के समस्त आंतरिक भाग से घटित नहीं होती, वो किसी निश्चित भाग से होती है, बाकी का वर्णन नहीं हो पाता ज्वालामुखी के माध्यम से, इसलिए हम इसको पूर्णतः साक्ष्य ज्वालामुखी को नहीं मान सकते। आइए साहब आगे लास्ट चरण पे, भूकंप विज्ञान की अगर हम बात करें तो भूकंप विज्ञान में लहरें उठती हैं, और ये लहर अभी हमने आपको बताया पी और एस, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। ये लहरें बताती है कि पर्वत नीचे गति कर रहा है। पर्वत नीचे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इस पर्वत के गति करने के कारण तरल मैग्मा में हलचल होगी, और इस हलचल के कारण गैस बनेगा, और यही गैस पूरी पृथ्वी को हिला करके रख देता है। तो इसने भूकंप विज्ञान ने पृथ्वी के आंतरिक तत्व में तीनों को माना, पर्वत का मतलब ठोस को भी माना, तरल भी माना और गैस भी माना, और इसके आधार पे भूकंप विज्ञान ने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तीनों प्रकार के तत्व यहां विद्यमान है। मूल बात एक और आपसे प्रश्न पूछता है कि भूकंप विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसके माध्यम से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे लेक्चर नंबर 17 के द्वारा हमने आपसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मूल रूप से हमने बात किया,
अप्राकृतिक साधन सिद्धांतों का साक्ष्य, और हमने बात किया प्राकृतिक साक्ष्य की। अगले क्रम पे हम यहाँ पे पृथ्वी के रासायनिक संगठन के आधार पे उसका विवरण देख करके फिर हम आगे की ओर चलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।